पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गई स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया है। लगभग 24,000 नौकरियां हाईकोर्ट ने रद्द कर दी। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए की घूस लेने तक की आरोप है। बता दें कि भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कई तृणमूल पदाधिकारियों के साथ ही राज्य शिक्षा विभाग के कई अधिकारी अभी जेल में हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली की जांच कर रही है। 2014 में पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली है। ये भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस समय पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी। याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया था कि जिन लोगों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट से ऊंचा स्थान मिला है। इतना ही नहीं, कुछ शिकायतें ऐसी भी थीं जिनमें कहा था कि कुछ उम्मीदवारों का मेरिट सूची में नाम ना होने पर भी उन्हें नौकरी दी गई है। इसी तरह से राज्य में 2016 में एसएससी द्वारा ग्रुप डी की 13,000 भर्ती के मामले में शिकायतें मिली थी। उच्च न्यायालय की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई ने जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद ईडी ने शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती के मामले में मनी ट्रेल की जाँच शुरू की थी। इस मामले में सीबीआई ने 18 मई को पार्थ चटर्जी से पूछताछ की, तो वहीं ईडी की टीम ने 22 जुलाई 2022 को पार्थ चटर्जी के ठिकानों सहित 14 जगहों पर छापेमारी की। पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। जब पार्थ चटर्जी से अर्पिता की पहचान पूछी गई तो उन्होंने इस बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इसके बाद ईडी के रडार पर अर्पिता मुखर्जी आ गई थी।